सर रात का टाइम सीगा 7:30 का। मैं घरे बैठी हुई सी, अपना काम कर रही सी। मैं सिलाई का काम कर दी हाँ। मम्मा रोटी बना रहे हैंडीकैप। हाँ जी मैं हैंडीकैप जान नहीं सकती। मेरे घर वाला नहीं है वा। और 1.5 साल पहला इतों पिंड की कुड़ी लैके भज गया सर। वो आया शराबी हालत च पिंड का, उहदा नाम शिंदा, शराब वेचदे ने सर। मेरे हत्थों पाई पिया, मेरे नाल जबरदस्ती करन दी कोशिश कीती। हाँ जी फिर सर जदों मैं रौला पाया तो मेरी मम्मा अगे हुए, जदों उन्होंने छुड़ाउण दी कोशिश कीती तो उन्होंने मुंडिया नूं फोन करता बाहर जाके मुंडे बुला लै। उन्होंने सानूं साडे गल पवाते, उन्होंने हत्थां च तलवारां कापे कृपाना फड़ियां होईयां सीगियां। उन्होंने मेरी मम्मा ते भी हमला कीता, मेरे मम्मा दे कापा मारिया ते मेरे ताए दे मुंडे दे भी उन्होंने कापा मारिया। सब तो पहले ही है पाजी। हां जी हुण की मांग करदे? कोई नहीं सी हैगा, यही कल्ला सीगा, इन्हें इन्हू सट्टा ला के ते चले गए। पुलिस ने उनकी कोई कार्रवाई की इस बारे? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पर्चा काट दिता उन्होंने खिलाफ, बयान दर्ज कर लेने। पर हुण कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बस एक दो दिन पुलिस आई ते दोषी हजे भी खुला घूम रहा। मैं उन्हें सजा दवानी है, मैनू इंसाफ चाहिए। ये साढ़े थाना कुलगड़ी जिला फिरोजपुर के एक हैंडीकैप लड़की ने साढ़े को बयान लिखाया कि मैं अपने घर में वक्त करीब 7:30 रात बैठी सी ते साढ़े पिंड का ही एक बंदा शिंदा नाँ का जिन्हें पहला मेरे से माड़ी निगाह रखता तो उस दिन वो कल ही समझ के घर अंदर दाखिल होया तो जिन्हें मेरे नाल माड़ी नीयत नाल मेरे से हमला किया, मेरे कपड़े पाड़े। तो जो मैं विरोधता की रौला पाया, मेरी माँ भी आ गई तो सानू धक्के मार के भज गया तो अपनी बेइज्जती महसूस करता आया। फिर अगर दोबारा अपने रिश्तेदारों ने लै आया कि जिन्होंने साढ़े घर से हमला किया तो इस करके परचा दर्ज किया गया। दोषी बस अंडर इन्वेस्टिगेशन, दोषी अजे असं रेड कर रहे हैं, अजे नहीं पकड़े गए जल्दी।